दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंस्टाग्राम पर किसी भी फ्रेंड को ब्लॉक और अनब्लॉक कैसे कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लिया है। इंस्टाग्राम पर किसी को भी ब्लॉक और अनब्लॉक करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी फ्रेंड को ब्लॉक कैसे किया जाता है। नीचे की तरफ आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसमें उस फ्रेंड का नाम डालकर सर्च करेंगे जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं। आप जैसे ही इसमें नाम टाइप करोगे तो इसके नीचे फ्रेंड की अकाउंट आईडी या उसका नाम सर्च होकर आ जाएगा। जैसे कि मेरा ये एक फ्रेंड है, मैं इसे ब्लॉक करना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने उस फ्रेंड की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ऊपर राइट साइड में आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें यहाँ पर ब्लॉक ऑप्शन दिया है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपसे कन्फर्म किया जाएगा। अगर आप फ्रेंड को ब्लॉक कर देते हो तो वो आपको मैसेज नहीं भेज पाएंगे, आपकी प्रोफाइल और कंटेंट को सर्च नहीं कर पाएंगे। आपने उन्हें ब्लॉक किया है, उनको नोटिफाई नहीं किया जाएगा। आप सेटिंग में जाकर उन्हें कभी भी ब्लॉक कर सकते हो। चलिए मैं ब्लॉक पर क्लिक करके इसे कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करते ही आपका फ्रेंड ब्लॉक हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ये फ्रेंड ब्लॉक हो गया है। अब यहाँ पर अनलॉक लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि मैंने इसे ब्लॉक कर दिया है। आप यहाँ क्लिक करके इसे किसी भी समय अनब्लॉक कर सकते हो। जैसे कि मैं इसे अनलॉक करके दिखा रहा हूँ, मैंने अनलॉक के ऊपर क्लिक किया है। इसके बाद आपसे कन्फर्म किया जाएगा, आपको अनब्लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ये अनब्लॉक हो जाएगा। ये तो था कि मैंने फ्रेंड की प्रोफाइल में जाकर इसे ब्लॉक और अनब्लॉक कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड भी होते हैं जिन्हें ब्लॉक करके आप उनका नाम या यूजर आईडी भूल जाते हैं। ऐसे में आप कैसे चेक कर सकते हो किसे किसे आपने ब्लॉक किया है और आप उन्हें कैसे अनब्लॉक कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप सेटिंग में जाकर फ्रेंड को ब्लॉक और अनब्लॉक कैसे कर सकते हो। नीचे राइट साइड में आपका प्रोफाइल आइकन शो होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ऊपर राइट साइड में 3 लाइंस दी हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपकी अकाउंट सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको ब्लॉक्ड ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके वो सभी फ्रेंड्स शो हो जाएंगे जिनको आपने ब्लॉक कर रखा है। ऊपर राइट साइड में एक प्लस का आइकन दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी किसी भी फ्रेंड को ब्लॉक कर सकते हो। यहाँ पर आपके फ्रेंड की लिस्ट शो हो जाएगी, बस आपको फ्रेंड के नाम के सामने दिए ब्लॉक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद कंफर्म करेंगे, कंफर्म करते ही फ्रेंड ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह से आप और भी फ्रेंड को ब्लॉक कर सकते हो। अब आप यहां पर देख सकते हैं मैंने 4 फ्रेंड्स को ब्लॉक किया है। आप इन्हें किसी भी समय अनब्लॉक कर सकते हो। हर एक फ्रेंड के सामने अनब्लॉक का ऑप्शन दिया है। आप जिस फ्रेंड को अनब्लॉक करना चाहते हो उसके सामने दिए अनब्लॉक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंफर्म करेंगे, कंफर्म करते ही आपका फ्रेंड अनब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह से आप यहां से किसी भी फ्रेंड को अनब्लॉक कर सकते हो। तो दोस्तों अब आप किसी भी फ्रेंड को ब्लॉक और अनब्लॉक करना सीख चुके हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।